इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय 20। इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय 20। फिर नए वर्ष के आरंभ में जब राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं, तब योआब ने भारी सेना संग ले जाकर अम्मोनियों का देश उजाड़ दिया और आकर रब्बा को घेर लिया, परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया और योआब ने रब्बा को जीतकर ढा दिया। तब दाऊद ने उनके राजा का मुकुट उसके सिर से उतारकर क्या देखा कि उसका तौल किक्कार भर सोने का है और उसमें मणि भी जड़े थे, और वह दाऊद के सिर पर रखा गया। फिर उसने उस नगर से बहुत सामान लूट में पाया और उसने उसके रहने वालों को निकाला और लोहे के हेंगों और कुल्हाड़ियों से कटवाया, और अम्मोनियों के सब नगरों के साथ भी दाऊद ने वैसा ही किया। तब दाऊद सब लोगों समेत यरूशलेम को लौट गया। इसके बाद गेजेर के पलिश्तियों के साथ युद्ध हुआ। उस समय हुशाई सिब्बकै ने सिपै को, जो रापा की संतान था, मार डाला और वे दब गए, और पलिश्तियों के साथ फिर युद्ध हुआ। उसमें याइर के पुत्र एल्हानान ने गती गोलियत के भाई लहमी को मार डाला, जिसके बर्छे की छड़ जुलाहे की डोंगी के समान थी। फिर गत में भी युद्ध हुआ और वहां एक बड़े डील का पुरुष था जो रापा की संतान था, और उसके एक एक हाथ पांव में छह छह उंगलियां अर्थात सब मिलकर 24 उंगलियां थी। जब उसने इसराइलियों को ललकारा, तब दाऊद के भाई शीमा के पुत्र योनातान ने उसको मारा। यही गत में रापा से उत्पन्न हुए थे और वे दाऊद और उसके सेवकों के हाथ से मार डाले गए।